हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली के दीप महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली हर दिवाली से ज्यादा चमकदार हो, आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन में रहे, इसी की कामना के साथ हम आज के जो मुहूर्त ट्रेडिंग है ना 6:15 बजे स्टार्ट होने वाली, उसके लिए कुछ स्टॉक्स हैं 4-5 स्टॉक्स वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अभी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम में अभी स्टॉक्स पे चलते हैं दोस्तों सीधा। पहला स्टॉक है अल्कली मेटल्स। अब अल्कली मेटल्स देखो, ये जो स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, आप ये सोच के भी बाय कर सकते हो कि इस दिवाली से अगली दिवाली पे भी लेके जा सकते हैं। हालांकि मैं 5-6 स्टॉक्स कल आपके साथ फिर शेयर करने वाला हूं कि इस दिवाली पे खरीद कर अगली दिवाली पे लेके जा सकते हो और आप उनको मंथली बाय भी कर सकते हो। सारे स्टॉक एक बार में बाय ना करके क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी बाय कर लीजिए। तो वो स्टॉक, पहला स्टॉक है अल्कली मेटल्स। ये देखिए, ये यहाँ पे ब्रेकआउट होने की कोशिश, देखो यहाँ पे कोशिश की मंथली कैंडल पे ₹143 पे ट्रेड कर रहा है अभी स्टॉक। ये ब्रेकआउट आएगा, ये वाली जो लाइन है, अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा 131 पे। ये जो ब्रेकआउट है अपना 143-144 के अराउंड ब्रेकआउट है, और ये ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक जो 130 पे ट्रेड कर रहा है अभी 205-280, और इसको रिफाइन करें तो ये यहाँ पे 280 और इससे भी आगे ये लेवल 350 तक भी अपने को दे सकता है दोस्तों। तो एक साल का समय, क्योंकि देखो यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न सा भी बनाया, और ये कितने साल बाद, करीबन 10-12 साल बाद के बाद ब्रेकआउट आ रहा है इस पर। एक बार आ चुका है, कंफर्मेशन होनी बाकी है, तो क्वांटिटी कुछ ऐड कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। आज भी कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं मोर ट्रेडिंग में इसमें अपने पोर्टफोलियो में। देखो किसी भी स्टॉक में सर, किसी भी स्टॉक में कितना ही अच्छा हो या कितना ही बुरा स्टॉक हो, कभी भी 4-5% से ज्यादा क्वांटिटी मत बाय करो, मतलब 7% से तो ऊपर लेके जाओ मत किसी स्टॉक में, अदरवाइज लोग क्या कहेंगे कि मुझे इतना बड़ा लॉस हो गया। सर आपके पास ₹50,000 है, ₹50,000 में एक ही स्टॉक खरीदोगे क्या या दो ही स्टॉक खरीदोगे? मैं नहीं मानता सर इस चीज को। मैं हमेशा बोलता हूँ डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया तो लॉस में ही जाने वाले। नेक्स्ट स्टॉक HPL। HPL देखो, लास्ट वर्किंग डे पे शेयर किया था कि हम इसमें जाने वाले लॉन्ग टर्म के लिए। इस दिवाली से अगली दिवाली का स्टॉक है HPL इलेक्ट्रिक। 77 पे शेयर किया था उस दिन, 89.88 का हाई, 89.80 का हाई बनाया था लास्ट वर्किंग डे पे। तो जिन लोगों ने, काफी लोगों ने बाय भी किया है और स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, मैं सबका स्क्रीनशॉट किसी का शेयर करने वाला नहीं हूं। ये स्टॉक आप मोर ट्रेडिंग में बाय कर सकते हो और कुछ क्वांटिटी टाइम टू टाइम आपको मौका मिले तो ऐड करते रहिए इसको अगले दिवाली तक के लिए। जबरदस्त स्टॉक होने वाला है, यहां से ये ब्रेकआउट आपको रास्ते खोल देता है आपके लिए। ये लेवल 100 और ये लेवल है 130। नेक्स्ट 150, तो इन लेवल्स के लिए ये स्टॉक भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, मोर ट्रेडिंग का बहुत अच्छा समय है। नेक्स्ट स्टॉक फेडरल बैंक। फेडरल बैंक पिछले कुछ दिनों से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और अच्छा पैसा भी बना के दिया लोगों ने, इंट्राडे में भी पैसा बनाया है, स्विंग ट्रेड में भी पैसा बनाया है। तो ये जो लेवल था ना, ये देखो इस लाइन पे अगर मार्क करोगे आप, ये इसने लेवल को टेस्ट किया, इस वाले लेवल को, और टेस्ट करने के बाद हो सकता है कि अपने को ये मुझे लगता है कि अगली दिवाली तक आपको ये 50-80% के रिटर्न भी दे सकता है स्टॉक। तो एक साल में सर बुरे नहीं 50-80% के रिटर्न। तो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा 132-133 के अराउंड, मुहूर्त पे आप बाय कर सकते हो, बहुत ही अच्छा स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर में। नेक्स्ट स्टॉक आर के फोर्ज। देखो हम ये वाली ट्रेंड लाइन, अगर वीडियो आप रेगुलर देख रहे हैं ना सर, तो ये वाली ट्रेंड लाइन पे हमने शेयर डिस्कस किया था ₹215 पे, उसके बाद इसने ये 236 का हाई भी बनाया था। तो शॉर्ट टर्म पे लोगों ने पैसा भी बुक किया इसके अंदर, कुछ लोग अभी भी होल्ड किए हुए हैं, बट हम इसको मोर ट्रेडिंग में फिर से ऐड करने की सोच रहे हैं। ₹228 पे ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म में जाना चाहेंगे तो 244-260 के टारगेट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपको जाना है, एक साल के प्लस व्यू देखते हो, तो 30-50% के रिटर्न ये स्टॉक अपने को दे सकता है दोस्तों।
मोरो ट्रेडिंग में आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, बट नॉट मोर देन 4-5% इन ए स्टॉक विदाउट एनालाइज। तो अपने आप कीजिए, फंडामेंटल भी चेक कीजिए, एनालिसिस कीजिए सर। नेक्स्ट हो गए एवेंटल लिमिटेड। अब ये वीकली कैंडल हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्लियर कट एक पोल फ्लैग का ब्रेकआउट है, अच्छी कैंडल बनी थी पिछले वीक की जो कंप्लीट कैंडल बनी वो, और यहाँ से स्टॉक 332 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से इस स्टॉक के अंदर अपने को 20-50% के रिटर्न भी एक साल के अंदर इस दिवाली से अगली दिवाली मिल सकती है, बट शॉर्ट टर्म में अपने को ये 5-10% बड़ी जल्दी भी दे सकता है। स्टॉक ब्रेकआउट पे है, 332 है, नेक्स्ट स्टॉक 360 और उसके बाद 400 के टारगेट के साथ आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक थोड़ा सा बड़ा है, बेस्ट एग्रो लाइफ, ये वाले लेवल से ब्रेकआउट है, कब से 2021 के बाद, एक साल के बाद ही देखो ये स्टॉक यहां से बाहर निकला है, निकला भी अच्छे वॉल्यूम के साथ है और उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है पिछले 3-4 दिन से। स्टॉक में पॉजिटिव नजर आ रहा है, पॉजिटिव 1550 का अभी इसका रीसेंट हाई 1550 का 1525 रुपए पे अपने को मिल रहा है। अपने टारगेट नेक्स्ट दिवाली तक के 1800 से 2500 रुपए तक के बीच में अपने को मिल सकता है इसके टारगेट, तो आप इसको अभी क्वांटिटी कुछ ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट हो गया VEDL वेदांता। देखो कितना गिरा, करेक्शन आई, कितनी करेक्शन आई, करेक्शन पे देखो हम इस पोल फ्लैग पे इसको बाय भी किया 260 रुपए के लेवल पे, उसके बाद इसने ये 319-320 रुपए का हाई भी बनाया था, तो लोगों ने शॉर्ट टर्म में पैसा बनाया है ऐसी बात नहीं है, तो अभी अच्छा टाइम है। देखो इस ये एक्युमुलेशन फेज चल रहा है, इसमें एक्युमुलेशन फेज, तो आप भी एक्युमुलेट कीजिए कुछ क्वांटिटी अपने, धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। अभी 280 पे ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म में चाहते हैं तो 300 से 320 रुपए आप शॉर्ट टर्म में भी निकाल सकते हो, 330 रुपए तक निकाल सकते हो। थोड़ा सा लंबा चाहते हो तो देखो 280 से इसका जो हाई है यहां तक जाने में अपने को क्या मिल सकता है, 50-60% के रिटर्न मिल सकते हैं अपने को एक साल के अंदर। तो क्या करना, हमने ऐसे स्टॉक्स को बाय करना है, अपने पोर्टफोलियो में क्वांटिटी ऐड करनी है। फ्रेंड्स थैंक यू, फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों, थैंक यू। बड़ी जल्दी क्विकली हम वीडियो को फिनिश कर रहे हैं, थैंक यू। ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, वेरी नाइस स्टॉक्स। हैप्पी दिवाली वंस अगेन फ्रॉम माय फैमिली टू यू एंड योर फैमिली। जय हिंद, जय भारत।